हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, आपके अपने चैनल पे एजेस ट्यूटोरियल पे। तो आज का टॉपिक क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम पार्ट टू। तो पार्ट वन इस वीडियो को देखने के पहले प्लीज जाके पार्ट टू देखो, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने, ठीक है? तो पार्ट वन जाके देखो, वो नहीं देखोगे तो ये कुछ भी नहीं समझेगा, ठीक है? तो इसको स्टार्ट करने के पहले कुछ पॉइंट्स कि आपका यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल आ गया है, तो उसमें एग्जाम के बीच में जो गैप है वो सिर्फ एक एक दिन या दो दो दिन का है। तो आपको पीएल में जरूर से पढ़ाई करना, क्योंकि एक दिन के गैप में आप नहीं पढ़ पाओगे और नहीं क्लियर कर पाओगे एग्जाम, ठीक है? तो प्लीज पीएल में पढ़ना, ये एक सजेशन। और सेकंड बात क्या है कि जो मैंने अपना एनालिटिक्स देखा यूट्यूब पे, तो मुझे पता चला कि 75% ऑफ व्यूअर्स जो इंडिया से है, वो लोग वीडियो तो देख रहे बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो प्लीज यार सब्सक्राइब करो, कोई पेड चैनल तो नहीं है जिधर आपको पैसे भर के वीडियो देखना है, ठीक है? तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करो। और जो 25% जो एशियन कॉन्टिनेंट्स के, उनको लैंग्वेज नहीं समझ रहे तो शायद वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे, उनका ठीक है, लेकिन आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करो। तो स्टार्ट करते हैं, देखते क्या है। तो मुंबई यूनिवर्सिटी का समय ये 2016-17 का है, कौन सा? तो देखो क्या दिया क्वेश्चन। चेक वेदर द फॉलोइंग सिस्टम इज, दिस इज द सिस्टम इज लीनियर नॉन लीनियर, कॉजल नॉन कॉजल, टाइम वेरियंट इनवेरिएंट, इसको शिफ्ट भी बोल सकते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, अरे शिफ्ट आ गया, अरे टाइम आ गया, कुछ नहीं, नाम बदल गया, ठीक है? मीनिंग वो उसी तरीके से सॉल्व होगा, और स्टैटिक और डायनेमिक। तो आते पहला वाला प्रूफ करने के लिए, तो ए मैंने लिखा है ए वाला पार्ट, ठीक है? तो ये लीनियर मत पकड़ो पहले ही, ठीक है? अभी देखो, तो स्टेप वन क्या था, हम लोग को प्रूफ क्या करना था, इफ वाई डैश ऑफ एन, इफ y dash of n is equal to y double dash of n, then it is linear. Otherwise, if not equal, then non-linear. Yes, तो step one क्या है, y dash of n निकालना। तो y dash of n का formula क्या था, y1 of n plus y2 of n, इसको 1 दे देते, ठीक है? फिर क्या करते, y1 निकालते, तो इसको equation को y1 बना दिया, ठीक है? तो जब y1 बना दिया तो हर एक जो फंक्शन के बाहर वैल्यू, उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो ये x1 बन गया ये दोनों, और जब y2 बनाया तो क्या हो गया, x2 x2 बन गया, ठीक है? तो कैसा बन गया, y of y1 of n is equal to 2x1 of n n minus 1 plus x1 of x1 2 into n। तो क्या हो गया इससे कि फंक्शन के अंदर कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ फंक्शन के बाहर आपको चेंज करना है, ठीक है? सिमिलरली y2 of n बना दिया तो x2 x2 बन गया। अब क्या किया, उसको ऐड कर दिया, ठीक है? इस तरीके से ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद ये कुछ इक्वेशन मिल गया मेरे को, ठीक है? दोनों को ऐड किया। अगर आप चाहो तो टू और टू कॉमन ले सकते हो, अगर नहीं लिया तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो स्टेप टू पे आते हैं, आप देखते क्या है। तो एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखा मैंने, इक्वेशन टू समझ लो, क्या लिखा मैंने, एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स वन ऑफ एन प्लस एक्स टू ऑफ एन। अब उसके सेकंड वाला क्या है, y डबल डैश ऑफ n का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, अभी y डैश ऑफ n मिल गया, अब y डबल डैश ऑफ n निकालना है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला था, x1 ऑफ n प्लस x2 ऑफ n। यस, तो x1 x2 मिल गया, तो ये भी मिल जाएगा। अब कैसे मिलेगा x1 x2 वो बताता हूँ। तो देखो, सिंस हम लोग को क्या पता है कि y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n, अगर ये इक्वल है, इफ दिस इज इक्वल, देन व्हाट वी विल डू, इसको इक्वेशन को x1 बना देंगे। तो ये पूरा x1 बन गया, तो x1 ऑफ n इज इक्वल टू 2x1 ऑफ n माइनस 1 प्लस x1 ऑफ 2n, ठीक है? ये x1 बन गया मेरा। अब आते हम लोग x2 बनाते, तो ये x2 बनाएंगे हम लोग, तो x2 ऑफ n इज इक्वल टू 2x2 ऑफ n माइनस 1 प्लस x2 ऑफ 2n। इस इक्वेशन को क्या किया हम लोग ने, y ऑफ n से x1 ऑफ n बना दिया और x2 ऑफ n बना दिया, क्योंकि क्या है, y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n। तो y डबल डैश ऑफ n की वैल्यू मिल गई हम लोग को, देख सकते हो आप लोग, देखो y डबल डैश ऑफ n की वैल्यू मिल गई, दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है? अब देखो, चेक करो, y डैश ऑफ n इज y डैश ऑफ n इज इक्वल टू y डबल डैश ऑफ n। तो सारे इक्वेशन आ रहे हैं क्या, वो ये पहला इक्वेशन सेम आ रहा है, फिर सेकंड पार्ट भी सेम है, थर्ड भी सेम है, फोर्थ भी सेम है, पूरा मैच हो रहा है। तो यस, इफ दे आर मैचिंग देन द सिस्टम इज लीनियर, इफ दे आर नॉट मैचिंग देन लीनियरली सॉरी सिस्टम इज नॉन लीनियर। तो इस ये क्वेश्चन में मैच हो रहा है तो सिस्टम इज लीनियर। तो पता चला लीनियर के लिए किस तरीके से सॉल्व करते। अब आते बी पार्ट में, क्या पूछा, कॉजल और नॉन कॉजल। तो एकदम सिंपल है, कॉजल और नॉन कॉजल के लिए वो तो मैं वीडियो में भी बता चुका हूँ। इफ
the input function has the future value, then it is non-causal, and if it has present or past value, then it is what? Causal. सिस्टम इज कॉजल. तो आपको दिख रहा है क्या फ्यूचर वैल्यू? नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि एकदम माइनस है. अगर प्लस होता तो फ्यूचर वैल्यू दिखता, लेकिन अभी वो फिलहाल वो माइनस है. तो माइनस है इसके लिए पास्ट वैल्यू. सिंस आपको ऐसा लाइन लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट सिस्टम इज कॉजल मत लिखो. किस तरीके से लिखो बताता हूँ. सिंस द सिस्टम कंटेंस इनपुट फंक्शन ऑफ द सिस्टम इज पास्ट, सो द सिस्टम इज कॉजल. या तो लिख सकते कि सिंस द सिस्टम डज नॉट कंटेन एनी फ्यूचर वैल्यू, सो द सिस्टम इज कॉजल. तो ये हो गया कॉजल और नॉन कॉजल के लिए. ठीक है, अब आते हैं थर्ड पार्ट के लिए, क्या है? टाइम वेरिएंट या तो शिफ्ट वेरिएंट और इनवेरिएंट. तो इसके लिए क्या था हम लोग कंडीशन, इफ वाई ऑफ एन कॉमा के इज इक्वल टू वाई ऑफ एन माइनस के, देन द सिस्टम इज इनवेरिएंट, एंड इफ इट इज नॉट इक्वल देन सिस्टम इज वेरिएंट. तो इसको चेक करने के लिए सॉल्व करते हैं. तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो पहला क्या करना है, एन के जगह पे फर्स्ट वाला पार्ट लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड. तो वाई ऑफ एन माइनस के किस तरीके से दिखेगा देखो जरा, वाई ऑफ एन माइनस के कैसा दिख, सॉरी एन डैश के कैसा दिखेगा. क्या करना है, रिप्लेस हम लोग को हर जगह एन जिधर दिख रहा है वहां के सब्सटीट्यूट करना है. ठीक है, तो हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं. तो इक्वेशन में किधर किधर एन दिख रहा है आपको, वहां वहां सब्सटीट्यूट करना है. ठीक है, तो देखो 2x एन माइनस के माइनस वन प्लस एक्स टू एन माइनस के. ठीक है, तो ये आपको इसमें से पता चला कि कैसा मैंने क्या किया, कि जो भी एन को था ना उसको किसके साथ सब्सटीट्यूट किया, एन कॉमा के, मतलब दोनों से सब्सटीट्यूट किया. ठीक है, तो ये हम लोग को इक्वेशन बन गया. इसमें कुछ आगे हो रहा है? नहीं नहीं हो रहा है. तो वी विल गो फॉर सेकेंड वन. रिप्लेस क्या करेंगे, इधर क्या किया, रिप्लेस बाय के. ठीक है, इधर के से रिप्लेस किया, अभी रिप्लेस बाय एन माइनस के. ठीक है, तो एन माइनस के से किया तो क्या होगा, वाई ऑफ एन माइनस के. अब जहां जहां भी आपको एन दिख रहा है, ठीक है, वहां वहां आपको किससे रिप्लेस करना है, एन माइनस के. तो यहाँ पे इक्वेशन में एन दिख रहा था, तो ये पूरा रिप्लेस किससे होगा, एन माइनस के. तो एन माइनस के और उसके साथ क्या है, माइनस वन है, तो माइनस वन हो गया. फिर प्लस एक्स ऑफ टू एन माइनस के. ठीक है, देख सकते हो एन माइनस के, एन को किससे रिप्लेस किया, एन माइनस के से रिप्लेस कर दिया. तो देखा, ये आपको दिख रहा है अभी क्या, मेरे को वाई ऑफ एन कॉमा के भी मिल गया, वाई ऑफ एन माइनस के भी मिल गया. अब आप लोग पूछो कि यार अरुण, तो ये तो सेम ही आ रहा है ना, डिफरेंस क्या हो रहा है अगर नहीं भी किया तो. तो याद रखना, जब भी आप एन कॉमा के करोगे ना, तो ये सिर्फ फंक्शन में रिप्लेस होगा. अगर बाहर रहेगा ना एन का वैल्यू, समझो एन इंटू एक्स रहता, तो वहां पे के को कुछ फर्क नहीं गिरता, सॉरी एन को के वजह से. लेकिन अगर एन माइनस के है, तो वो अगर फंक्शन के बाहर भी रहा ना एन, तो उसको वैल्यू एन माइनस के बनेगा. ठीक है, अगर समझो इधर इंटू एन रहता, अज्यूम करो, तो इधर एन ही रहता वैल्यू, एन माइनस के नहीं बनता. लेकिन अगर इधर ये वाले में हम लोग चेक करेंगे एन माइनस के डाल के, तो इधर वैल्यू एन माइनस के बन जाता, तो नॉट इक्वल आता. ठीक है, तो इसके लिए मैं ये एग्जाम्पल दे दिया, क्योंकि अभी तो ये है नहीं इस क्वेश्चन में. तो ये समझो आपका डाउट आता, तो इसके लिए क्लियर करने के लिए वो बताया मैंने. ठीक है, तो ये सिर्फ फंक्शन में रिप्लेस करेगा, फंक्शन में. ठीक है, और इधर हर जगह पे रिप्लेस होता है, इसके लिए फर्क है, नहीं तो बोलोगे क्या फर्क है. ठीक है, अभी तो दोनों इक्वल आ रहा है. सिंस दे आर इक्वल, देन द सिस्टम इज इन वेरिएंट. ठीक है, तो ये तुम लोग गड़बड़ मत करना. इधर इक्वल ला के भी तुम लोग अगर वेरिएंट लिख दोगे, क्योंकि हम लोग को हमेशा लगता है कि इक्वल आया तो वेरिएंट ही रहेगा, इनवेरिएंट नहीं रहेगा. जैसे कि लीनियर में इक्वल आया तो लीनियर, और नॉट इक्वल आया तो नॉन लीनियर, वैसे ही इसमें. लेकिन इसमें उल्टा है, अगर इक्वल आ रहा है, ये दोनों इक्वल आ रहा है, तो इनवेरिएंट है, और नहीं आता तो वेरिएंट बनता. अब लास्ट वाला देखते डी पार्ट. डी पार्ट क्या करने का हम लोग को, बेसिक स्टैटिक और डायनेमिक. तो स्टैटिक और डायनेमिक के लिए क्या था,
तो स्टैटिक डायनामिक लेके एकदम सिंपल था। स्टैटिक चेक करने के लिए क्या देखना था, इफ इनपुट फंक्शन इज प्रेजेंट, इफ इनपुट फंक्शन इज प्रेजेंट देन द सिस्टम इज स्टैटिक, एंड इफ द इनपुट फंक्शन इज पास्ट और फ्यूचर देन इट इज नॉन मतलब डायनेमिक। तो डायनामिक यह है या स्टैटिक है आपको क्वेश्चन से ही पता चलेगा, क्योंकि इधर पास्ट है इनपुट फंक्शन एन माइनस वन, कोई एक भी दिख गया ना पास्ट, तो यह सिस्टम इज व्हाट डायनामिक। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ये सॉल्व करोगे और 10 मार्क मिल जाएगा। कैसा, ये दोनों के लिए बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको देखना है अंदर फंक्शन में क्या दिख रहा है, अगर फंक्शन के हिसाब से वो बैठ रहा है तो स्टैटिक, नहीं तो वो डायनामिक। यहाँ पे कैसा, यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट के साथ एक पास्ट भी है, तो पास्ट के वजह से डायनेमिक बन रहा है। अगर ये वाला पार्ट नहीं होता तो ये क्या बन जाता, स्टैटिक बन जाता, क्योंकि ये प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो देखो कुछ इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, 10 मार्क पूरा हाथ में मिल जाएगा आपको। तो थैंक यू सो मच गाइस मेरा वीडियो देखने के लिए, प्लीज़ 3 अच्छे काम करो मेरे चैनल के लिए, जो मैंने शुरुआत में भी बोला, प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, जिससे क्या होगा पब्लिक को पता चलेगा कि ये जिनको हार्ड लग रहा है तो उनको हेल्प होगा एग्जाम में। ठीक है, और ऐसे बहुत से वीडियो आएंगे, DSP के आएंगे, AI के आएंगे, पूरा ह्यूरिस्टिक वगैरह जो अपना है, अरे अपना AI के लिए है, अल्फा बीटा तो है ही मेरा वीडियो, ठीक है वो भी देख सकते हो, और इसके भी बहुत से आएंगे, जैसे अपना कन्वोल्यूशंस आएंगे, DFT आएंगे, FFT आएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में आपके टॉपिक के साथ।